अच्छा चलो पूर्वी, आज तुम क्या कर, लेक्चर 10 क्वाड्रेटिक। ठीक है चलो तुम स्टार्ट करोगे। आज हमें ना क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा ये पता है पूर्वी, अगर मैंने बोला एक नंबर है बॉक्स 1.2 का क्या होता है, बताओ बताओ। बॉक्स बच्चे पूर्वी पता है 1.2 का बॉक्स क्या होता है? कृष्णा, अच्छा चलो बॉक्स फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ते मैं बोलूं तो बंद हैं। हाँ बोलो। जाएगा इसकी। हाँ बॉक्स फंक्शन क्या होता है इसका? 1। अगर 3.4 लिखा है तो उसका बॉक्स क्या होता है? 3। 7.99 है उसका बॉक्स क्या होगा? 7। 8.4 है इसका बॉक्स क्या होगा? 8। ये बात सबको क्लियर है, इंटीजर पार्ट। ये क्या होता है? सर इंटीजर पार्ट। अगर मैंने इसका बोला -3.2 तो नेगेटिव में -4 होगा। -4 -4.5 है तो आंसर क्या होगा? -5 -5 होगा। और -6.7 है तो आंसर -7 होगा। -7 ये बात सबको क्लियर है। और इंटीजर का जो होता है, जैसे अगर 2 है उसका बॉक्स क्या होगा? 2।2 -2 का बॉक्स क्या होगा? -2। इस बात ये बात क्लियर है सबको? नव्या यस क्लियर सर है ये बात? यस सर नव्या अगर मैं इसका लिख तो जल्दी से बोलो इसका आंसर। 4.7 का बॉक्स क्या होगा जल्दी बताओ, सर 4 सर और -4.7 का क्या होगा जल्दी बोलो। अच्छा 5 0.3 का बॉक्स क्या होगा, सर 0 सर और -0.3 का क्या होगा? 1 नहीं 1। 0 जी सर और अगर इसका बॉक्स क्या होगा 2 का, टू और -2 का? सर -2 कोई डाउट है इस चीज में नो अभी तक? सर सर अगर नव्या ये बताओ जल्दी से, अगर किसी एक्स की वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 लाई करती है, 2 से 3, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा जल्दी बताओ। टू तो ये बात क्लियर है कि नहीं अभी तक? यस सर अनीश सर एक सर बोलो बोलो सर माइनस वाला बोलो। समझ में नहीं आया। माइनस नेगेटिव में एक ज्यादा, बस नेगेटिव में एक ज्यादा हो, ओके सर बस ये थोड़ा सा याद रखना। x³ - 9x² + 24x + c। अब ये क्वेश्चन है ना बहुत बहुत अलग, इनको ढंग से करना नहीं तो दिक्कत आएगी। अब क्यूबिक की कोई, इससे पहले बेसिक्स बता दूंगा। ये कहता है अनीश, अनीश सर ये क्वाड्रेटिक का ही टॉपिक है या फिर नया टॉपिक है? हाँ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का ही है, क्वाड्रेटिक में ही आता। ओके सर बच्चे क्या होता है, आदित्य, यस सर आदित्य बच्चे ध्यान रखना, क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ a > 0 के, मैंने बोला इक्वेशन है y = ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, यस सर अगर a > 0 है तो या तो ये ग्राफ होगा या तो ये ग्राफ। ठीक है, यस सर अगर a की वैल्यू <coughs> 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 less than 0 है तो आपका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा ग्राफ। ठीक है, बात समझ आ गई? सर एक्स एक्सिस को 3 पे नहीं कट करेगा, 3 पॉइंट्स पे? नहीं 3 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, इसको नीचे कर दोगे 3 पॉइंट पे कट कर जाएगा। ओके ठीक है, सर यस सर a > 0, a < 0 के लिए ये ग्राफ। अच्छा ये बताओ, दिस ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, यस और नो? यस सर दिस ग्राफ इज ऑलवेज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? dy/dx क्या होता है? हमेशा less than 0। इसका मतलब क्या होता है? dy/dx जो आता है वो हमेशा क्या होता है? greater than 0।
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो सर, आपने जनरल फंक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यों लिए, आपने रियल रूट्स क्यों नहीं लिए तीनों? तीनों रियल रूट मैंने तीन सारे पॉसिबल केसेस लिए ना, ये पॉसिबल केस हो सकता है या ये हो सकता है सर, बट इसके अंदर तो हम एक ही रियल रूट डिफाइन कर रहे हैं दोनों बारी में। अच्छा इसका ग्राफ, अच्छा चलो ऐसे भी हो सकता था, मैंने ऐसे बनाया नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ये सर वो हो सकता है, लेकिन मतलब अगर हमको जनरल कंडीशन में रिप्रेजेंट करना हो तो कौन सा करेंगे? जनरल कंडीशन में ये बचे, ये चारों ही देखने पड़ेंगे जनरल। ओके सर ठीक है अभी क्वेश्चन, अर्नब एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, अभी तक ये चीज समझ आई है येस और नो? यस सर। अच्छा अर्नब अब बता मेरे को, अगर मैंने पूछा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x, ठीक है प्लस 4, इज दिस ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग, कैसे पता लगेगा? dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे, कितना आ गया 3x² प्लस 6x प्लस 6, 3 × x² प्लस 2x प्लस, which is always greater than 0। एक मिनट रुक, इसका d क्या आ रहा है जल्दी बता, d क्या है सर? b² - 2x² माइनस 4, यस माइनस 4 विच इज ऑलवेज लेस देन 0, और a की वैल्यू आपकी क्या है इसकी 1, विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस इक्वेशन इज ऑलवेज सर ग्रेटर देन 0, सो दिस ग्राफ इज ऑलवेज सर ऑलवेज इंक्रीजिंग। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का? यस सर कोई डाउट नहीं। कोई डाउट तो नहीं है पक्का? नो सर नहीं है डाउट। एक और देख लेते हैं, इसको देखो एक्स क्यूब कृष्णा, यस सर कृष्णा इस ग्राफ को बताना है कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है कि ऑलवेज डिक्रीजिंग, क्या आएगा dy/dx जल्दी बोल सर। 3x² - 18x + 24 कॉमन क्या आया सर? 3 x² - 6x + 8, तो इसके फैक्टर्स बन गए x - 2 × x - 4, तो इसके बाद से इसका मतलब एक मिनट 2 और 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 से कम पे, जैसे इस पे और इस पे ये हमेशा क्या रह रहा है पॉजिटिव रह रहा है, कहाँ पर रहेगा पॉजिटिव? माइनस इनफिनिटी से 2 और यूनियन 4 से 4 इंक्रीजिंग होगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. और 2 से 4 क्या होगा sir? Decreasing. इसका ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली इस शेप का होगा, ठीक है? Okay, sir. क्योंकि ये डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, ठीक है? और इस इक्वेशन का ग्राफ टिपिकली इस टाइप का होना चाहिए, जो ऑलवेज इंक्रीजिंग है वो ऐसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ जाए तो ऐसा इस टाइप का होना चाहिए। कोई डाउट है? नो सर। ये बताओ गर्व जी सर, अभी तक समझ आया? यस सर आ गया। चलो गर्व अब मैं 3-4 क्वेश्चन ले रहा हूं, अब इसका सबसे पहले इसका ग्राफ स्केच करना, y = x³ - 9x² + 24x + c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट दिस इक्वेशन हैज क्या होता है 1 real root, ठीक है 2 real root एंड थर्ड नो 3 real root, 2 real root हो नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि क्या होता है 3 roots हैं जिसमें से एक एक प्लस 2 equal roots, सही है सर? ये समझ नहीं आई वाला आपने क्या बताया। मैंने बोला इसके 2 real root, 2 real root तो हो नहीं सकते क्यूबिक इक्वेशन के, ये तो बात समझ आ रही है? 2 का मतलब ये है जैसे x की रूट्स आए हैं 1 2 2, समझ आ गई बात?
मतलब सर जो दूसरे वाला रूट है उसकी वैल्यूज इक्वल है पर वो नंबर में दो है। हाँ नंबर में दो, दो नंबर ऑफ रियल रूट, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज दो है, ठीक है। ओके सर। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को ढंग से करके देखें। यस सर। अब इस कंसेप्ट को समझियो। सबसे पहले ये जो भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है रूट के बारे में, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इतनी इक्वेशन कंसीडर करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट दिस इक्वेशन हैज वन रियल रूट, टू रियल रूट एंड थ्री रियल। ओके सर। ठीक है। यस गर्व तुम बोलोगे? हाँ सर। गर्व इतनी इक्वेशन लेनी है, ये ध्यान रख क्या आएगा, x into x square minus 9x minus 9x plus 24। कोई डाउट? नो सर। अच्छा इसके इसके फैक्टर्स बन रहे हैं हाँ या ना? सर इसके बनेंगे d equals to, अगर देख लेते हैं 9 का स्क्वायर minus 4 into 24 सर, 81 minus 96 less than 0 आ रहा है, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे इसका। नहीं बनेंगे। ठीक है। इसका मतलब अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो, और ये चीज जो है ना, ये वाली क्वेश्चन d लेस देन 0, a की वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 24 हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अब इसके ऊपर डिपेंड कर गया x इंटू x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 24। अब अगर x पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पूरी इक्वेशन क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और x अगर नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन क्या रहेगी? नेगेटिव। ये इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा इसका मतलब ये हो गया, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। x अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव, x अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसको ढंग से, अब इतनी बात समझ आ गई है, इतना होना चाहिए। अब इसका ग्राफ या तो ऐसा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, ऐसा, इस टाइप का शेप, ऐसी बोल रहा हूँ। ओके सर। अब इसका dy by dx बता क्या आ रहा है? सर इसका आएगा 3x square minus 18x plus 24. 3x square minus 6x plus 8. हाँ? Minus 8, हाँ, yes, sir. तो इसके फैक्टर्स बन गए 3x minus 2x minus 2x minus 4. तो अगर मैं इसमें देखता हूँ 2 और 4 प्लॉट करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकता हूँ? यस सर। माइनस इनफिनिटी से 2 और 4 से इनफिनिटी पॉजिटिव आएगा। माइनस इनफिनिटी से 2, ये क्या है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है? यस सर। और 4 से इनफिनिटी भी क्या है? इंक्रीजिंग। बस ये इतनी बात याद रखी जाएगी। और 2 से 4 में क्या है? डिक्रीजिंग। 2 से 4 ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये बात समझ आ गई। 2 से 4 में क्या है? डिक्रीजिंग। तो यहां तक लेके गए सही है, इंक्रीजिंग था। यस सर। फिर इसको सर नेगेटिव स्लोप कर देंगे आगे, 2 के आगे नेगेटिव स्लोप कर देते हैं, ठीक है, यहां तक। उसके बाद क्या रहेगा? सर फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा, 4 से इनफिनिटी आ जाएगा। ये बात समझ आ गई ग्राफ की? यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा अब 2 पे वैल्यू चेक करें, इसकी 2 पे वैल्यू बता क्या आ रही है ऊपर वाले एक्सप्रेशन की? 8 माइनस 36 प्लस 24 टू द 48 प्लस सी, ये बात समझ आ रही है? यस सर। 20 प्लस सी आएगा। ये पॉइंट आ गया, 2 पे आ गया, इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं हम पी से, पी को लिख दे 2,20 प्लस सी। डाउट है कोई? नो सर। अब 4 पे पॉइंट क्या आएगा, 4 पे वैल्यू क्या आएगी, 4 पे वैल्यू निकाल। 64 माइनस 69 का 144 प्लस 24 फॉर द 96 प्लस सी, बता आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट सर, कर रहा हूं। 16 प्लस सी आना चाहिए शायद। यस सर। 16 प्लस सी। यस सर। 16 प्लस सी। 4,16 प्लस सी आ रहा है, हां कि नहीं? यस सर। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अभी इस इक्वेशन के कितने रियल रूट दिख रहे हैं? सर 1 रियल रूट। अब ढंग से सुनियो इस चीज को। अब मैंने क्या बोला है, खाली एक रियल रूट हो, 2 रियल रूट हो और 3 रियल रूट हो, यही बोला ना? यस सर। अच्छा
अच्छा अगर मैं थोड़ा सा अभी तक जो समझ आ गया है जितना समझाया है, हाँ जी सर आ गया, थोड़ा सा रब कर दूं कि नहीं? यस सर। ठीक, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। यस सर। चलो स्टार्ट करूं आगे? यस सर ले लिया। चलो अब मैं थोड़ा सा रब कर, अब कितने रियल रूट्स बोला है पहले आप देखते हैं, 1 2 3। अच्छा अब ये बता, अगर सी की वैल्यू मैं ले लेता हूं -3 तो क्या होगा इसमें? पी पॉइंट क्या हो जाएगा? पी पॉइंट क्या हो जाएगा? 2.17। और टू और क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा? 4.13। 4.13। सी की वैल्यू -3 ले लू, ये हो जाएगा। और सी की वैल्यू मैं -17 ले लू, -17। अब बता सर 2.3 हो जाएगा और हो जाएगा 4.-1। इसमें किसी को डाउट है 2.3 और 4.-1 में? नो सर। और जीरो वाला पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएगा? सर जीरो आएगा अगर हम सी को 16 लेते हैं, -17 लेते हैं तो ये पहुंच जाएगा 0.-17। यस सर। और ऐसा ग्राफ रहेगा और ऐसा रहेगा, हाँ कि नहीं? सर आपने -17 से क्यों लिया, ओरिजिन से क्यों नहीं? मैंने ऐसी एक मिनट अभी बता रहा हूँ सी -17 पे ये रहेगा। यस सर। -18 पर भी कितने इंटरसेक्शन होंगे इसके एक्स एक्सिस के साथ? सर 3 होंगे। -19 पे भी कितने होंगे? 3। और ये बात समझ आ रही है? यस सर। -19 -18 -17 कितने इंटरसेक्शन होंगे? सर 3। 3 होंगे। और अब ये बता मेरे को, सी इक्वल टू -16 है तो कितने होंगे? सर तो होंगे इसमें 2। हाँ ऐसा होगा कि नहीं? यस सर। सी इक्वल टू अगर -20 हो तो कितने इंटरसेक्शन होंगे? सर तो भी 2 होंगे। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इसका आंसर क्या आया इस वाले का? सर सी इज इक्वल टू -20 और -16। -20 और -16, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं 3 रियल रूट्स के बारे। क्या बोला है? 3 रियल रूट्स। अब 3 रियल रूट्स के लिए देखते हैं क्या करना है। अब 3 रियल रूट सी की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करे ये बता। -16.1 पे भी कितना होगा? सर 3। और -19.9 पे भी क्या होगा? सर 3 रूट्स। तो सी की वैल्यू अगर -20 से -16 रहती है तो कितने रियल रूट्स एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट? सर 3 रियल रूट्स। बात समझ आ गई? यस सर। और किसी को डाउट है? नो सर। चल अब देख, अब एक बारी गर्व जल्दी से बोल, सी इक्वल्स टू मैंने ये बोला -20 से -16 इक्वल टू ले रहा हूँ, सही है? सर इक्वल टू में तो फिर 2 रियल रूट वाली कंडीशन भी आ जाएगी। 2+3 हो गए कि नहीं? यस सर 2 और 3 हो गए। अच्छा ऑल रियल माइनस ये अगर कर दूं -20 से -16 तो क्या बचे? सर 1 रियल रूट वाले। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चल अब ये क्वेश्चन कोई ऐसा, अर्नव समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर आंसर तो आ गया। अच्छा अभी मैंने दूसरा पार्ट इसका करा नहीं रहा हूं, मगर ये क्वेश्चन कृष्णा समझ आया है? हाँ सर। चलो नव्या समझ आया था? हाँ बोलो।
सर जो अपने लास्ट में करा था रियल पार्ट माइनस माइनस 20 से माइनस 16 में, सर उसको हम और पार्ट करके लिखेंगे फिर सॉल्यूशन में? हाँ बच्चे हाँ। ओके सर। अच्छा एक बार ये देख दोबारा से, अब कौन बोलेगा? नव्या बोलेगी? चलो नव्या नहीं, पूर्वी बोलेगी? चलो कौन बोलेगा अपनी मर्जी से, जल्दी बोलो। बोलो सर, मैं ट्राई करूं। बच्चे अर्नव, हाँ ट्राई ट्राई कर, वेरी गुड अर्नव, ये क्वेश्चन है सही है? यस सर। कितने वही सेम क्वेश्चन है, टू रियल रूट, वन रियल रूट, जीरो थ्री रियल, सही है? इक्वेशन क्या ले लूं? x into x square minus 5x plus 6। अच्छा आप ये बता इसके फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे? सर बन रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब ये पॉजिटिव, अगर देखो नंबर लाइन पे देखते हैं, जीरो टू और थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एनी डाउट? नो सर। यानी ये वैल्यू जीरो से कम पे क्या रहेगी? सर जीरो से कम पे नेगेटिव रहेगी। और टू से, जीरो से टू के बीच में पॉजिटिव, टू से थ्री में नेगेटिव। ये इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ये बात समझ आ रही है? अभी तक ग्राफ ऐसा बना रहा हूं मैं। यस सर ऐसे ही बनेगा, फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, ये ऐसे ही बनेगा ना, इसमें कुछ करने की जरूरत है? नो सर। अब दूसरी बात, ये पॉइंट पी मान लेते हैं और इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, कोई डाउट? नो सर। अब डी वाई बाई डी एक्स बताओ। 3x² - 10x + 6। ये बात समझ आ गई? यस सर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 10 + -b² - 4ac, 100 - 4, 3 = 12, 6 = 72, / 2, 3 = 6, कोई डाउट है? नहीं सर। √28/6, कोई डाउट है तो नहीं है? नो सर। 5 + -2 √7/3, √7/3 सही है? यस सर। ये पी पॉइंट जो होगा ये होगा 5 - √7/3 कॉमा अल्फा मान, सही है? और क्यू पॉइंट होगा 5 + √7/3 कॉमा, सही है? सर इसमें एक चीज पूछनी है, सर इसमें मैं डायरेक्टली मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्यों नहीं लगा सकता? हाँ मैक्सिमा मिनिमा वाली ही कंडीशन। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू, इसके अंदर डाल दूं? यस सर। 5 - √7/3 × 5 - √7/3 - 2 5 - √7/3 - 3, कोई डाउट अल्फा की वैल्यू में? सर। और बीटा की वैल्यू क्या होगी? 5 + √7/3 × 5 + √7/3 - 2 × 5 + √7/3 - 3, कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आ गई इतनी बात? यस सर। अच्छा पी की वैल्यू अब ध्यान से सुनियो, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, बीटा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव आएगी, ये बात क्लियर है हाँ या ना? यस सर नेगेटिव ही आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे लेट सपोज ये होती है -2 और ये होती है +3, लेट सपोज, ठीक है, अल्फा की वैल्यू माइनस, बीटा की वैल्यू -2 आ रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अल्फा की वैल्यू ये है, कोई डाउट तो नहीं, एग्जांपल लिया है बस, ये वैल्यू एक्चुअल नहीं आएगी बट एग्जांपल ली,
अच्छा अब ये बता, अगर इस ग्राफ को माइनस टू यूनिट प्लस टू कर दूं, इस ग्राफ में इसको प्लस टू कर दूं, तो क्या हो जाएगा? सी की वैल्यू प्लस टू कर दूं तो क्या हो जाएगा? बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी और अल्फा की प्लस फाइव। नहीं नहीं, अल्फा की वैल्यू यानी बीटा की वैल्यू अगर प्लस टू, सी की वैल्यू प्लस टू कर दूं तो ये ग्राफ कितना ऊपर उठ जाएगा? टू यूनिट ऊपर उठेगा, दो यूनिट ऊपर उठेगा। तो इसका मतलब ये इसको क्या करने लग जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा कि नहीं? यस सर, अप्रोच करना शुरू कर देगा, रूट इक्वल कर देगा, टच कर जाएगा ना इसे? यस सर। और अगर इसको माइनस थ्री, सी की वैल्यू माइनस थ्री रख दूं तो कितना यूनिट नीचे हो जाएगा? सर थ्री यूनिट्स नीचे हो जाएगा, तो पी पे टच कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो इसका मतलब सी इक्वल्स टू, अगर अल्फा बीटा है तो कितने रियल रूट हो गए? सर टू रियल रूट आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने बोला सी की वैल्यू माइनस अल्फा से बीटा है तो कितने रियल रूट? थ्री रियल रूट्स आ जाएंगे, थ्री रियल रूट्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो बची कंडीशन उसमें कितने रियल रूट? सर वन रियल रूट आ जाएंगे। बात समझ आई है? हाँ या ना? सर सी माइनस अल्फा बीटा कैसे होगा? सर माइनस अल्फा टू बीटा, क्या क्या बोलो 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 सर, माइनस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए था ना? हाँ सर, माइनस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। माइनस अल्फा किस में? सर सी की वैल्यू, सर सी इज इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, ये वाले में ना? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने गलती, सही है? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन सर, मेरे को इसमें एक चीज पूछनी है। बोल सर, हम इसके अंदर डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल देते कि हमको पता है मैक्सिमम मिनिमम यहीं पे पड़ेगा, तो डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। हाँ तो कर दे, उससे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, उससे करके देख, बता मेरे को उससे क्या दिक्कत आती है, या हो जाता है आसानी, बहुत अच्छी बात है। यस सर। ठीक है कृष्णा। यस सर। वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, सही है? ओके सर। क्या लूं इक्वेशन? सर एक्स को कॉमन ले लेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, डी क्या आ रहा है इसका? सेवन माइनस फोर, सर नेगेटिव आ रहा है तो कोई रियल रूट नहीं होगा सर। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको बोला जीरो से ज्यादा पे पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, कोई डाउट? नो सर। तो इसका मतलब अभी जो ग्राफ है वो ये ऐसा है, इतना पता लगा, सही है? यस सर। अब डी वाई बाई डी एक्स बता क्या आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। इसका डी क्या आ रहा है सर? फोर माइनस ट्वेल्व सर, ये भी सर नेगेटिव आया सर। ए की वैल्यू थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा ग्राफ क्या हो गया, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा हमेशा? Yes, sir. इसके हमेशा कितने रियल रूट होंगे? इसका तो कोई रियल रूट होगा ही नहीं सर, डी तो सर नेगेटिव है। ये जो है ये क्या है? सही सर रूट है सर, तो फिर एक रियल रूट तो होगा ही होगा ना, चाहे ऊपर नीचे करे। तो सी इक्वल टू, सी बिलोंग टू आर फॉर वन रियल रूट, ठीक है ना? सही है। और कि और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, दो रियल रूट या तीन रियल रूट हो ही नहीं सकते, नहीं सकते। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? यस सर। पेज नंबर है सेवन, पेज नंबर असाइनमेंट का कौन सा है? सेवन है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एट द टॉप पांच क्वेश्चन दे रखे, वो करने हैं आज के। कोई डाउट है किसी को? ठीक है आदित्य, समझ आया है? आदित्य बच्चे आवाज नहीं आ रही, मेरे को एक बार रिप्लाई करना चैट करके। आर्यमन समझ आया है? यस सर। आर्यमन चलो ठीक है, अब होमवर्क जो दिया है वो करना है, और
कल की क्लास लास्ट लगेगी क्यूबिक इक्वेशंस पे, कार्डियंस मेथड करा के हम खत्म कर इस टॉपिक को, कोई डाउट तो नहीं है सर? उसके बाद हाँ बोलो अर्नव। नो सर डाउट नहीं। अच्छा आप कल किसी को भी डाउट हो, किसी को भी आना हो, ठीक है सुबह 9 से 12 के बीच में, ठीक है मेरे पास घर आ सकता है डाउट देने के लिए, ठीक है मेरे को फोन करके आना बस, मैं 9 से 12 का टाइम बोल रहा हूँ, 9 से 12 के बीच में डाउट देने आ सकते हैं, ठीक है सर? हाँ बोलो आ रहे हैं। कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर या बच्चे? बच्चे अभी है ना, मैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर करूंगा, उसके बाद बायनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर फिर बायनोमियल, ठीक है। और ये कहता है जिसको भी डाउट देने हो कल 9 से 12 का टाइम बोला है, जिसको भी आना वो आ सकते, ठीक है एक बार ग्रुप में भी डाल देना गर्व। okay, 9 से 12 बट पहले कॉल करके आ, कॉल करके आ। ओके सर ठीक है चलो, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर।